भारी बारिश की वजह से भोपाल के भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए कि भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि पानी को रिलीज करने के लिए डैम के गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से डैम के एहतियातन गेट खोल दिए गए हैं। और इस बीच आपको हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर बीते 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको भोपाल के भदभदा डैम की दिखा रहे हैं जहां पर आज सुबह ही 5 गेट खोले गए हैं। चूंकि पूरे भोपाल में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और उसी का नतीजा है कि जितने भी आसपास के डैम हैं, चाहे वो कलियासोत हो, भदभदा हो, कोलार हो या फिर नर्मदापुरम का तवा डैम ही क्यों ना हो, सभी के गेट खोले गए हैं। भोपाल की अगर बात करें तो कोलार डैम के 4 गेट खोले गए हैं, कलियासोत के 3 डैम खोले गए हैं और ये जो तस्वीर आप भदभदा की देख रहे हैं, यहाँ के 5 गेट खोले गए हैं। इसके अलावा नर्मदापुरम के 5 गेट खोले गए हैं। अशोकनगर की अगर हम बात करें तो राजघाट में 8 गेट खोले गए हैं और जबलपुर का जो सबसे बड़ा बांध जिसे कहें बरगी डैम, उसके 7 गेट खोले गए हैं। पूरे प्रदेश की अगर आप बात करें तो 6 ज़िलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी है और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 30 ज़िलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब चूँकि जैसे ही भदभदा का पानी छोड़ा जाता है, चूँकि ये पानी अगर आप देखें इस डैम की अगर आप बात करें तो ये भोपाल के बड़ा तालाब पर बना हुआ बांध है और भोपाल के बड़े तालाब का जल स्तर हम देख रहे थे कि लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार अब स्थिति ऐसी आई है कि इस सीज़न में पहली बार इस बांध के गेट खोलने पड़े हैं। फिलहाल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है क्योंकि जब जब इस बांध का पानी छोड़ा जाता है, जो निचली बस्तियां हैं, नदी किनारे जो बस्तियां हैं उसमें पानी जमा होता है, तो हालांकि प्रशासन ने उन बस्तियों में कई घरों को खाली भी करवाया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मैदानी इलाकों में भी बारिश ने हाल बिगाड़ रखा है। अब आपको मध्य प्रदेश के ढिंडोरी की दिखाते हैं तस्वीरें जहां बरसात लोगों के लिए आफत बनकर आ गई। ये तस्वीरें देखिए कैसे नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, घाटों में पानी भरा हुआ है, घाट पर बने मंदिर डूब गए हैं। बारिश के चलते कई गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। और आइए आपको एक और तस्वीर ढिंडोरी की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में सिवनी नदी उफान पर है। इस बीच कांवरिये जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कांवरियों का ये रैला देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, ह्यूमन चेन बनाकर नदी पार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत जोखिम है जो कि ये कांवरिये उठा रहे हैं। जान हथेली पर लेकर